तो ये है रोड जो हाथुर रोड, कहाँ जा रहा है? हाथुर रोड, हाथुर रोड 5 किलोमीटर। जो कह रहे थे पतला सा रोड है, बिल्कुल सावधानी से चले, रास्ता सच में तंग है, मतलब पतला है। जगह ही ना ले पाप सामने से गाड़ी आ गई तो भाई, कई जगह ऐसी है ना, कई जगह ये पैसे जो साइड की जगह होगी ना यार, वो कह रहा था भाई मोड़ मोड़ पे, ये लोग बिल्कुल खड़ा मोड़ है, थारू वाला ने गाड़ी रोक रखी है भाई। बिल्कुल भेड़ा रोड, नीचे खड़ी करो बाप, ऊपर पैदल पैदल चला जाओ ना। अरे भाई बाप ट्रैकिंग ये बता रहा होगा बस, लोकल बंदा तो ले जा, कोई नए होए ना ले जा, बाबा जरा अपनी खड़ी कर दो नीचे यार, क्या है डर लगे देखिए बहन कैसा। अब यहाँ साइड लेन खतर की जगह बचेगा अगली गाड़ी क्यों बता दे बस, कहाँ जगह दे बाप यहाँ पे। यहाँ पर फ्लोर टूट गया तो फिर बैक जा भी जाओ, गाड़ी 4x4 हुई तो ना जाओ, पर 2x2 हुई तो ना, 2x2 में ऐ खातर ये रोड तो आम है यार। चल भाई चलो, बेटर लेट देन नेवर, कभी भी ना पहुंचने से अच्छा है भी लेट पहुंचे। हाँ। तो समझ गए, सही बात है, रास्ता ही ऐसे आगे से गाड़ी एक तो साइड तो दे ही ना सके बिल्कुल, मतलब ही नहीं आगे पीछे करके भी नहीं दे सकते भाई, ऐसी जगह आगे पीछे तो फंस ही गया भाई, वो लगा ले कहाँ साइड देगा बंदा, यहाँ पे पूरा रास्ता ही कवर कर लिया एक गाड़ी ने। बैक ले जानी खड़ी आसान ना, कहाँ जाओगी बैग में, बैग में इतना सा रास्ता है, थोड़ी सी गलत होगी और यार ढलान भी तो है भाई, आगे से आ गया तो लग ले फंस ही गए बस, बैठे रहो भाई, मारे से भी ना और तेरे से भी ना हो यही सो फिर यहाँ थोड़ा साइड का बने सकते, यहाँ चढ़ा लो ऊपर और साइड से लेके चला जाए, दोनों गाड़ी बराबर आ जाए पर फिर तो कुछ ना हो सके, यहाँ तो साइड है ही ना, जो फिलहाल तू खड़ा है यहाँ कहाँ साइड दे देगा, क्या पीछे हॉर्न बजाए नहीं तो आगे वाला आप में घाल देगा गाड़ी, डाल देगा आप में गाड़ी। अरे तो एचपी नंबर था तो पेड़ पे है गोली गेट गो दे अपने साइड का, अगर नहीं भाई तू ही मार ले तो, हाँ नहीं लिया जाएगा भाई अपन से नहीं होगा ये इन रोड पे, तो आप लेता तो फिर वो गाड़ी वैसे ना ले पाती साइड में, कुछ जगह यहीं पे थी साइड लेने की यहाँ पे भाई। पंकज रास्ता तो कुछ ज्यादा ही तंग है, उल्टा होगा ना जब असली मजा होगा थोड़ा, तब असली मजा ना असली हुआ होगा भाई, गया तो कहाँ से ले रहे हैं, मतलब वहां से नहीं ले रहा जहाँ से रास्ते है, ऑफ रोडिंग 4x4 लगा रखे है ना, ऑफ रोडिंग तू भी यहीं से चढ़ा होगा कि 4x4 ठोक रहा तू, तो आगे भी थार वो भाई अपनी ऑफ रोडिंग दिखा रहे थे अभी, आटू मंदिर अभी आए 3 किलोमीटर आगे, रस्सी आगे पीछे होती तो
तो भाई अपनी गाड़ी के धक्का मार रहे यार, या तो चली जाओगी 2x2 में ही, मत मार लगा चाहिए यार, लगा लेना क्या दिक्कत है, आराम आराम चढ़ जाओगी और ओवरेज ना देनी पड़ेगी। फिलहाल बिल्कुल खड़ा मोड़ है, मोड़ पर हॉर्न मोड़ पर बजाए ठीक है, चढ़ गई भाई, भाई मर्सिडीज का इंजन है रे गाड़ी में, तो साइड में ये है सीधा ही हम लोग का रास्ता। फुल भरी है भाई साहब गाड़ी, तभी चल रही है, तो ये भाई यहाँ रुक रहे हैं दार जी, चीज से टूट रहा है कभी अपनी नाली कंडक्टर साइड से, तो भाई ने साइड में लगा ली इन्होंने, तो फिलहाल ये आ रही है थार, ये घटी घाटी पहाड़ काट काट के बनाऊंगा भाई, ये रोड ऐसे रोड पहाड़ काट काट के बनते भाई। अब तो ये देखिए बर्फ, थोड़ी थोड़ी बर्फ है, फूल कितने हो रहे हैं, किसका फूल भाई पता ना, मोड़ लग रहा है किसका फूल ना तोड़े, इस साइड तो मोत है सीधी, मतलब देख थोड़ा ही बताऊं मैं भाई, वो तो रोड है प्रॉपर यार, मनाली शिमला का तेरा, तो देख बस यहाँ ले ले साइड में, अरे चले गए यो नाले कितने भी, बहुत डेंजरस रोड है जहाँ फिलहाल आ रहे हैं। हाँ भाई कैसे लग रहे हैं, साले सीधी मौत दिखाई देती है, वैसे तो बहुत डेंजरस रास्ते, अब आसु चल रहा, आसु को गर्मी लग रही होगी चलाते चलाते, चढ़ाई है लो में डाला किसी वजह से गाड़ी धीरे चल पा रही है भाई आसु, बहुत डेंजरस रास्ते, जितने भी गाड़ी में बैठे हैं ना, जितने भी बैठे हैं सबकी लगी पड़ी है रास्ते को देख के, वैसी गाड़ी से तो यार कह रहा सबकी फिलहाल इस गाड़ी में फिलहाल सबकी लगी पड़ी है, इतने खतरनाक रास्ते सबकी लगी पड़ी है, अल्टो भी आ रही है भाई देख, अगर किसी को रास्ते का डर का सारा मजा लेना तो वो यही रास्ता है, यही जगह है जो नए बंदे के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम है, चलाना भी बैठना भी। फिलहाल पहुंच गए अपने जहाँ डेस्टिनेशन थी अपनी जो मंदिर, तो ये गाड़ी यहीं पे थी रात को, कैंपिंग अपना सारा सेटअप ला रखे भैया यार ने, यहाँ तो अपना कैंपिंग कुम्पिंग लगा रखे यहीं पे, तो भैया के अपने खाने पीने का सब कुछ सेटअप यहीं का रखा है सारा, तो आई थिंक यहीं पे रुक रहे थे रात को, तो बढ़िया वो कर रखा है भैया ने, तो यही वो जगह है और यही वो रास्ता और यही हमारे भैया आंसू हैं जो यहाँ तक हमें लेके आ गए, और हमारी बिल्कुल लगी हुई थी, तो गजब जगह है, और जो एक्सट्रीम था ना हमारा वो फिलहाल जब तक नहीं हुआ तो यहाँ हो चुका जो भी एक्सट्रीम था, तो ये है वो मंदिर जो यहाँ का है, तो ये रही बर्फ, फिलहाल बर्फ पड़ी नहीं है तो हल्की फुल्की बर्फ है जिसको हम देख के अपना काम चला रहे हैं, और ये देखे सामने नजारे, क्या नजारे हैं देखिए है। कितना गजब नजारे, मस्त नजारे,
तो यार ठंडे पे गजब है। आशु कैसे ठंडे बताओ भाई? ठंडी बिल्कुल, शीत लहर -5 तक थे, बिल्कुल शीत लहर हो रही है। तो ये है इस जगह के नजारे, गजब। देखिए ऊपर पहाड़ों में जो धुंध है, और ये और क्या बादल, बादल भी पहाड़ों के ऊपर आ रखे हैं। ये देखिए गजब नजारे यार, मतलब ये पहाड़ियां से बिल्कुल लेवल पहाड़ी नीचे हैं। नजारे गजब है, गजब नजारे। दिस प्लेस इज वर्थ, प्लेस इज वर्थ है अब तक का सबसे बेस्ट प्लेस है, जो गजब है। इतना है कि यहाँ का नजारा काफी अच्छा है अब तक जो जगह घूमे की, बढ़िया गजब नजारे। और आसु अपनी यहाँ फोटोग्राफी करते हुए, भाई मैं तो थंबनेल ले रहा हूँ। आसु थंबनेल ले रहे हैं, जो ये नजारे हैं ये गजब नजारे, गजब। फिलहाल हम जहाँ से चल रहे वहां से इस साइड मित्रानपुर का रास्ता है सीधा, तो ये है। जूम करूंगा, तो ये है सामने स्नो, वो रही स्नो। हनुमान वाले पावर ले, सीधे उठ के चलना, सीधे उठ के वहां सीधे चले स्नो में, है ना। ये रिश्नो तो गाइस फाइनली बर्फ मिल गई, ये रही बर्फ। इतनी खास तो है नहीं, पर जो है वो है। इससे ही काम, इस बर्फ से काम चलाना पड़ रहा है हमें, ये बर्फ देख के काम चलाना पड़ रहा है फिलहाल। क्या कर सकते हैं, का व्यू है ना बहुत गजब व्यू है। और जो वो फिलहाल हमें वो पहाड़ दिख रहे सामने बर्फ है, तो वहां जाने का बहुत मन है, बट ये लोग हैं जो। तो है यहाँ का हाटू का मंदिर, जिस मंदिर के बारे में बोला था हमें यहाँ पे, और जो व्यू था वो यहीं का ही था पीछे का, जो हम कैप्चर कर रहे थे। तो यहाँ से है इस मंदिर की एंट्री, जय माँ हाटू। चलोगे यहीं से? देखो भाई तो अभी ये भाई कर रहे दर्शन, मंदिर काफी अच्छा बना रखा है वैसे, एक एकांत में है मंदिर बिल्कुल। तो ये है मंदिर, हाटू का मंदिर। आसू फिलहाल चल रहा आगे, तो ये है अंदर से मंदिर। तो यह मंदिर, तो अब यहाँ से कर रहे हम मंदिर की परिक्रमा, जो मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं अभी। ऐसे रोडों पे ये दिक्कत आती है कि आगे से गाड़ी आए तो पैक करने पड़े। धूल भी ना दिख ले रहा भाई साहब, ऐसा भाई यहीं के हैं, इनके कहाँ उड़ने की जरूरत यार। सब नपत यहाँ कोई आराम आराम से यार होगा, फिर भी यार स्पीड में कोई ना होगा, थोड़ा रोक ले। जितना जोर ऊपर आने में लग रहा था वो नीचे जाने को जोर ना, कुछ भी नहीं लग रहा होगा अभी। ऊपर आता डर भी लग रहा था भाई, नीचे जाता भी इतना डर ना लग रहा। पिछली गाड़ी ना चल पड़े, अगली गाड़ी पीछे ना चल पड़े, खाई में ना गिर जाए कभी। वो क्रूजर ना चल गई थी, उसका फ्लो बन ना पा रहा था बस।
दूर ही लगा ली कितना वो और ही आगे ना पता भाई कितनी दूर है भाई इतना तो ना पता भाई पर गाड़ी जरूर आ रहे है कौन है पीछे से आ रहे पीछे से आगे से है पीछे भी है तो आगे से भी तो है ना पीछे से तो स्पीड है वहाँ पे ले ले तो वो गाड़ी आगे तो साइड दे सके उसने पीछे वाले से दिक्कत नहीं आगे वाले से दिक्कत आएगी ना लोग वो वरना बोरी नीचे रोक रोक रहे कुछ नहीं है ये भी ना सुने भाई दूर से ना शीशा बंद रहे देख मुझे आ गई देख मुझे भाई उड़े तो ना गड़ा थारी पीछे करो दाब ले अपने का नहीं दो बार टेल पीछे है ये आपका नहीं दाबन खातर है अपनी तू कौन हम ले ले बिल्कुल और ले ले साइड है जगह अपनी साइड जगह है और ले ले साइड अब इसको फ्लो ना बन रहा ना अब खड़ी चढ़ाई है यार खड़ी चढ़ाई से बैग लेनी आफत है यहाँ पे लोगों का रहता भी होगा ना ऊपर तो कोई ना है भाई वाला तो वो भी घूमने आ रहा था बस सब घूमने ऐसे ही घूमने वाला यार कुछ जैसे जिसने काम कुम चला रखा है ये मैं की बाकी का स्टोल लगा रखा किसी का रिश्तेदार वाले वो मान लिया इस तरह है करता टैक्सी गाड़ी है एचपी वाली के साथ ना एक दो चार पांच गाड़ी पर्सनल नंबर गई थी ना तो वो कह रहा था मैं घूमने आ जाए यार कभी भी आ जाओ ना मंदिर में व्यास के हो सके भाई वहाँ पर वही रही पंकज बाबा स्टोल लगा रखो भाई काफी वो कर रखे जो घूमना यार वो भी यहाँ भी कहीं रुकन को बना रखो वो थोड़ा रिसोर्ट बीच में बीच में तो वो सामान से मुंह लाना तो यहाँ वो है बर्फ ये हो रही मैदान थोड़ी स्टार्ट हो गई ना ना गरम से कर लीजिए वो पे है छू फ्रंट में चलना क्या है तो ये जगह भी है एक जहाँ पे स्केटिंग करवाते हैं स्केटिंग के सारे सामान रहे तो यहाँ स्केटिंग कर तो ये रोप है रस्सी जिसको पकड़ के उस साइड और इस साइड किसी को डर लगे तो जा सकता है और आ सकता है जाके देखे गासु भाई खाली पैर तो मेरे ख्याल चल जावे मैं ये चार्ज लेता होगा भाई इनका भाई ये ऊपर वाले जो है ये रोप ये किसकी है ये तो रोप आती ना वो लेक में गिरती है फिर उसके लिए रोप ऊपर ही पर इस तरह से अच्छा इस पे आती है नीचे के लोग इस पे आती है अरे ये किसकी है बंदी है ये वाली जो रोप है ना सेफ्टी रोप आती ना ऊपर जब अरे गिरने का डर होता है तो होगा गिरने का डर नहीं सेफ्टी रोप के लिए रोकने के लिए बस लेक पे गिरती है अच्छा वहां से यूं ऊपर जाना होता है उसका है ये फ्लाइंग फॉक्स ये जिप लाइन वो और ऊपर जिप लाइन कर ली भैया इसका ये चार्ज है इसका किसका कैसे भाई ये 1000 किसका अच्छा स्नो स्की और इसका ये जो ये है ये लकड़ी का ये 300 टू राइड्स इधर से उधर जाने का बस खींच के खुद चले जाओगे नहीं ले जाएगा अच्छा कुछ करेंगे अच्छा पीछे से धक्का मारेगा तेरे भाग तो फिलहाल आप यहाँ खाएंगे मैगी और चाय वो एंजॉय करता है अभी फिर अगर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाना तो देखते हैं वो दिखाएंगे आपको तो अभी यहाँ सीखेंगे अभी हाँ सूरी सी पंकज बटर अभी हाँ जल्दी है तो यहाँ सीखेंगे
तो यहाँ से स्केटिंग करवाते हैं, ये करवा रहे स्केटिंग, तो ये स्केटिंग है यहाँ की। बंदा धक्का मारता है पीछे से। तो गाइस फिलहाल हम खड़े हैं मार्केट में नारकंदा की, और देखिए स्नो हो रही है, स्नोफॉल स्टार्ट हुई है। आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो ये धीरे धीरे स्नो आ रही है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। बाहर जाके दिखाना ऊपर से करके, ऊपर से गिरती दिखेगी बाहर से ड्रॉपलेट्स। तो ये गिर रही स्नो, बहुत हल्की हल्की स्नो है। तो ये आ रही स्नो, हल्की हल्की स्नो स्टार्ट हो गई है। होपफुली अगर आज रात को ढंग से स्नो पड़ जाए तो कल भी देखने को मिल जाएगी स्नो। तो फिलहाल स्नोफॉल हुई थी वो बंद हो चुकी है, अभी हो रही है। दिन में भी थोड़ी सी हुई थी, वो बंद हो गई थी, अब थोड़े से फिर हुई और फिर बंद हो गई। तो कह रहे कि रात को हो जाए तो देखते हैं। देख आ जाएगी स्नो तुम्हारी ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगी। हाँ। पहली बार स्नोफॉल देख लेंगे। नहीं भाई तो भी ट्रिप तो थी, चलो जो देखना है तो नहीं देख पाए, वो देखने को मिल भी जाता पर नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।